हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, आज से हमारे बेसिकली ज्योग्राफी का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। कंटेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सबके साथ। और ज्योग्राफी जो है वो वैसे तो देखिए बैंकिंग में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जो ज्योग्राफी का स्टैट है वो पूछा जाता है। बाकी जो ज्योग्राफी है वो आपके सभी की सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स की, ठीक है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट की। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बेसिकली बैंक में नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टैट पोर्शन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो स्टैट पोर्शन होगा, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और वो बैंकिंग वाले बच्चों को भी करना होगा। चलिए, ज्योग्राफी का जो आज हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, जो हमारा अर्थ है वो बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। मैं आपको मैप से दिखाता हूँ कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका, और यहाँ पर है आपका यूरोप, और ये है आपका अंटार्कटिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपने देख लिए कि मैप में बेसिकली कहाँ पर लाई करते हैं। उसके बाद जब हम हर कॉन्टिनेंट की डिटेल पढ़ेंगे तो साथ साथ उसका मैप भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एशिया से। देखिए, एशिया का मैप आप सबके सामने है, और एशिया में हमारा भारत यहाँ पर लाई करता है। सबसे बड़ा जो एशिया में है वो है रशिया। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि एशिया में टोटल कंट्रीज कितनी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बोथ एरिया वाइज, या फिर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज तो हम सब जानते ही हैं, हमारा पड़ोसी देश चाइना और हमारी जो पॉपुलेशन मिला दें तो आई थिंक पूरा वर्ल्ड कवर हो जाए। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिकली एशिया है, एशिया में वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 60% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अगर हम एरिया देखें तो 32-33% एरिया है वर्ल्ड का, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना में है, नो डाउट, उसके बाद है इंडिया में। वैसे तो देखिए, अब 100 करोड़ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट पे आता है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, और इंडिया की राइट नाउ जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2018, वैसे तो सेंसिस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, 2011 का सेंसिस भी हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू 2018 हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ के आसपास हो चुकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011 हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 121 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए एशिया या फिर वर्ल्ड की बात करें, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो बेसिकली कहाँ पर लाई करता है, नेपाल तिब्बत में, बेसिकली ये नेपाल में ही लाई करता है, और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर मठ। तो आपने याद रखना है, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर मठ। और इसको तिब्बत में क्या नाम दिया जाता है माउंट एवरेस्ट को, चोमोलांगमा। तो आपने ध्यान रखना है, चोमोलांगमा कहाँ कहा जाता है, तिब्बत में, और इसकी हाइट भी हमेशा याद रखनी है 8848 मीटर। अगर आपके ऑप्शंस में कहीं भी 8848 मीटर नहीं होगा तो जो क्लोजली आंसर होगा, मतलब क्लोजली आपने देखा होगा कि 8850 या 8860 होगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो कन्फ्यूज मत होना, जो अप्रोक्सीमेटली में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग इंडिया या फिर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इसको माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, एशिया का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी। ये कहाँ पर लाई करता है, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन में, और ये कितना ब्लो है सी लेवल से, 392 मीटर माइनस। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू, बमीर प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इसको, ये भी कहाँ पर लाई करता है, तिब्बत चाइना में। इसकी हाइट भी आपको ध्यान रखनी है 4875 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड का जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है वो है सिंगापुर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हमारे भारत की, ऐसे कौन सी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली कहा जाता है मोस्ट डेंसली सिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये है थाईलैंड। थाईलैंड को वाइट एलिफेंट, मतलब वाइट एलिफेंट भी बेसिकली थाईलैंड में पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे हम डिस्कस करेंगे आगे आएगा। एशिया का जो हॉटेस्ट प्लेस है वो है 33वीं, ये है इजराइल में, यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है 55 डिग्री से अबव सेल्सियस, तो काफ़ी हॉटेस्ट प्लेस है ये। उसके बाद बात करें लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, ये है वर्कोस, ये आपका है रशिया में। उसके बाद बात करें मायंसराम, मायंसराम पूरे अर्थ का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, यह है मेघालय इंडिया में।
नेक्स्ट पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू एरिया पॉपुलेशन हमने अभी पढ़ा चाइना सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की तो वो है मालदीव्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एशिया का जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है वो है जावा आइलैंड। जावा आइलैंड कहाँ पे? इंडोनेशिया। चाइना एंड जापान हाईएस्ट फिश कंज्यूमिंग नेशन है पूरे वर्ल्ड में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाकिस्तान में कहाँ पर हैं? चश्मा कराची। उसके बाद बात करें कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स के बारे में जो एशिया में फ्लो करती है, जैसे कि यांगसी रिवर। अगर हम बात करें एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की, देन आंसर इज यांगसी रिवर। ये बेसिकली चाइना में फ्लो करती है और ये गिरती कहाँ पर जा गया है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है इसका? ईस्ट चाइना सी। ये भी आपको याद रखना है। और कितनी इसकी लेंथ है? 6300 मीटर। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ, सेकंड जो रिवर है हुआंग ही, हुआंग ही को सोर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। बेसिकली जो चाइना में बाढ़ तूफान ये इसी रिवर से आता है, इसलिए इसको चाइना का दुख भी कहा जाता है। उसके बाद जो अमूर रिवर है ये भी आपकी फ्लो करती है चाइना और रशिया में। इसका एक और नाम है, ये नाम भी पूछ लिया जाता है, अपने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाम, हिलोंग झांग। उसके बाद बात करें लेना रिवर की, लेना रिवर सिबेरियन में फ्लो करती है। उसके बाद ओब रिवर, ये भी सिबेरियन रशिया में फ्लो करती है। ठीक है, मेकोंग रिवर वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार में फ़्लो करती है। उसके बाद इंडस रिवर है वो हमारे भारत में फ़्लो करती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है तिब्बत। तिब्बत से होकर ये हमारे भारत में आती है। भारत के बाद ये बेसिकली अगर हम बात करें ज़्यादा फ्लो होगी तो ये पाकिस्तान में करती है, उसके बाद ये गिर जाती है अरब सागर में। इंडस रिवर को जो इंडस है बेसिकली वो पाँच नदियों का संगम है। मैं आपको बता देता हूँ पाँच नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो झेलम, ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। पांच नदियों का संगम होता है और ये कहाँ पर होता है? मिठानकोट, पाकिस्तान, पंजाब में। और जो इंडस का बेसिकली ओरिजिन पॉइंट है वो है तिब्बत। उसके बाद ये भारत आती है, भारत के बाद ये पाकिस्तान चल जाती है। पाकिस्तान की ये लाइफलाइन रिवर भी है और उसके बाद ये गिर जाती है अरब सागर में। वैसे मैं आपको जब हम रिवर्स का पार्ट पढ़ेंगे इंडिया ज्योग्राफी में तो मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कस करवाऊंगा और मैप में आपको बता भी दूंगा कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ पर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो बेसिकली इसका भी ओरिजिन पॉइंट तिब्बत है। तिब्बत में इसको तोसांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नमचा बारवा पास हमारे भारत में एंटर करती है नमचा बारवा पास से, या अगर हम बात करें सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र भी इसका नाम दो अपनी ट्रिब्यूटरी रिवर से मिलने के बाद होता है, दिबांग और लोहित। ये हम एग्जैक्टली डिटेल में स्टडी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, उसके बाद इरावदी रिवर है, ये म्यांमार की रिवर है। लेक्स जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, लेक हैं आपके एरल लेक। एरल लेक बेसिकली कजाकिस्तान में है। उसके बाद बेकाल लेक, बेकाल लेक है आपका रशिया सीबिरिया में। उसके बाद बालखाश लेक, ये भी आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट है। उसके बाद धोंगटिंग लेक, ये आपका चाइना में है। टोनल सैप लेक, ये कंबोडिया में। तो ये आपको लिख लेना है जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको याद रखना है। एशिया की जो नॉलेज है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कॉपी डेजर्ट है वो बेसिकली चाइना में है। टकलामकन डेजर्ट, ये आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट है। काराकम, ये भी आपका चाइना में है। और जो थार डेजर्ट है वो है इंडिया में। काइजल कुम, ये आपका सेंट्रल एशिया में। मिनरल रिसोर्सेज कुछ जानते हैं एशिया के कि मिनरल रिसोर्सेज कहाँ क्या क्या हैं? कोल, आयरन, मैग्नीज, टिन, एंटमनी, गोल्ड, ये बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद बात करें म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर। म्यांमार फेमस भी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं और इसको लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास भी कहा जाता है। बेसिकली जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उनको पगोडास कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सिख गुरुद्वारा कहते हैं, है ना, अगर हम बात करें मुस्लिम्स मस्जिद कहते हैं, ऐसी ही बेसिकली जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने टेम्पल्स को पगोडास कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान कॉल्ड ऑफ कंट्री ऑफ कनाल्स। उसके बाद बात करें बांग्लादेश इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। टर्की इज द कॉल्ड ऑफ सिकमैन ऑफ यूरोप। लेबनान इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारे पूरे वर्ल्ड का? वो है गोरखपुर। गोरखपुर बेसिकली यूपी भारत में आता है। और साउथ कोरिया को कहा जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ओसाको को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट रेल रूट की, ये है ट्रांस सिबेरियन रूट। ये रूट बेसिकली 9,232 किलोमीटर तक ये है रूट। और ये कौन कौन से स्टेशन को आपस में जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग
टू वेलाडिस वोस्टोक। उसके बाद बात करें मैरिना ट्रेंच, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास पड़ता है। श्रीलंका को जो सेपरेट करता है हमारे भारत से वो कौन सा ब्रिज है? एडम्स ब्रिज, ये एक तरह का इरेगुलर ब्रिज है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन और राइस का, अगर हम बात करें हमारे भारत की तो वो है टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद बात करें स्वेज कनाल, डेट इज़ मैन मेड जो कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने एशिया के बारे में डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं अफ्रीका के बारे में। देखिए अफ्रीका का जो मैप है वो आपको दिख ही रहा होगा। अफ्रीका की खास बात बताता हूँ आपको, देखो ये पूरा का पूरा अर्थ है। अर्थ में बिल्कुल जो मिड में एक लाइन है उसको कहा जाता है बेसिकली इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा भी हम इसको हिंदी में बोल देते हैं। जो ठीक इसके ऊपर लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक इसके नीचे लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अफ्रीका जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जितना ये ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर से ऊपर है उतना ही बेसिकली इक्वेटर से नीचे है लगभग अप्रोक्स। ठीक है, तो ये बहुत खास बात है इसकी। और कुछ फैक्ट्स जानते हैं अफ्रीका के बारे में। देखिए अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अगर हम बात करें जो अफ्रीका है वो 3 times लार्जर देन है यूरोप से, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्वेज कनाल, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया जो एशिया का सबसे लास्ट पॉइंट था। उसके बाद बात करें विक्टोरिया फॉल, ये कहाँ पर आता है? विक्टोरिया फॉल ये जाम्बेजी रिवर पर है बेसिकली विक्टोरिया फॉल, और ये जिम्बाब्वे में है, अफ्रीका जिम्बाब्वे में। ठीक है, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है नाइल रिवर, इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो है विक्टोरिया। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पर आउटफ्लो होती है? मेडिटेरियन सी में। अगर हम अदर रिवर्स की बात करें अफ्रीकन रिवर्स की, जैसे कि नाइल रिवर, कोंगो रिवर के बारे में एक खास बात बताता हूँ आपको, कोंगो लिम्पोपो के बारे में। देखिए मान लीजिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा था, ये देखो ये बना हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें 2 times इक्वेटर को कौन सी रिवर कट करती है तो वो है कोंगो रिवर। ध्यान रखना 2 times इक्वेटर को कौन सी रिवर कट करती है? कोंगो रिवर। और अगर मैं बात करूँ 2 times ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी रिवर कट करती है वो है लिम्पोपो रिवर। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे 2 times ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और ये जो रिवर है ये इंडियन रिवर है, ये आपको एक थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ। उसके बाद बात करें पेम्बा एंड जेंजीबार, ये आइलैंड है जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है क्लोव। क्लोव हिंदी में कहा जाता है लौंग को। एंड इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट टू हैव द बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिंग थ्रू इट एंड हैविंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था। ये अफ्रीका इज सेपरेटेड थ्रू द गिब्राल्टर स्ट्रेट फ्रॉम यूरोप, यूरोप से अफ्रीका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? गिब्राल्टर स्ट्रेट। नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है अफ्रीका की जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो ये नाइजीरिया जो कंट्री है वो 7th number पर आती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 30 crore के आसपास है। ठीक है, मैक्सिमम अर्बनाइज्ड जो कंट्री है अफ्रीकन वो है लीबिया, यहाँ की जो पॉपुलेशन 60-70 lakh के आसपास है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड माइन भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ये है साउथ अफ्रीका में, और इसका नाम ध्यान रखना है आपने किम्बरले। अदर मिनरल रिसोर्सेज गोल्ड, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन और कोबाल्ट, मैग्नीशियम, यूरेनियम, लेड, जिंक, फॉस्फेट। तो ये कुछ अदर मिनरल रिसोर्सेज हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करें वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, जिसका नाम है सहारा। इसकी आपको लेंथ भी याद रखनी है 84,000 square kilometers। ठीक है, अदर डेजर्ट कलहारी और नाम डेजर्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। अगर हम बात करें अफ्रीका में सबसे ज़्यादा टी कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, तो ये प्रोड्यूस की जाती है कीनिया में। ग्रेट रिफ्ट वैली ये भी अफ्रीका में है। हाईएस्ट पीक अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली तो वो है माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में है बेसिकली, तंजानिया अफ्रीका, ये भी आपने लिख लेना है। उसके बाद बात करें अदर माउंटेन रेंजेस की तो वो है रुवेनजोरी, एटलस, ड्रैकन्सबर्ग, तिबिस्टी मैसिव। और लोवेस्ट पॉइंट देखें तो लेक एसल, कितना लोवेस्ट है ये, कितना बिलो सी लेवल है? -156 meters बिलो सी लेवल, जो कि कहाँ पे है? दजीबाती। ठीक, उसके बाद बात करें हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का, ये भी रिकॉर्ड किया गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कहाँ पर? लीबिया में। लीबिया में कहाँ पे? अल अजीजिया में।
कितना रिकॉर्ड किया गया है, 58 डिग्री सेल्सियस। लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू अफ्रीका कॉन्टिनेंट इफ्रिन, और कितना है ये लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, -24 डिग्री सेल्सियस, और ये कहाँ पे है, मोरक्को। मोरक्को से मुझे याद आया, आपने हिस्ट्री के अगर मेरे लेक्चर्स लगाए होंगे तो मैंने बताया था मोरक्को से एक पर्सन आए थे हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत के टाइम में, मैंने बताया था वो थे इबन बतूता। शायद मैंने अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुने होंगे और नोट्स पढ़े होंगे तो मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि जो अफ्रीका का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर बेसिकली है मोरक्को कंट्री, वहाँ से आए थे इबन बतूता। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो कि बेसिकली फ्लाइटलेस बर्ड है, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ आपको, और एक ना क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसका साइंटिफिक नेम है श्रुटियो कैमिलस, तो ये इसका साइंटिफिक नाम है। और ये जो बर्ड है ये एक तरह की फ्लाइटलेस बर्ड होती है, इसकी जो रफ्तार है वो भी बहुत ज़्यादा है, 70 किलोमीटर पर आवर। और ठीक बिल्कुल सेम इसी तरह की बर्ड अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में तो उसको कहा जाता है रिया, और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो उसको कहा जाता है एमयू। और अगर हम क्रॉप्स देखें अफ्रीका में तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है कोको, और ये कहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, घाना और नाइजीरिया में। लॉन्गेस्ट रेंज एटलस माउंटेन रेंज है अफ्रीका की, लगभग 2410 किलोमीटर तक ये रेंज है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड आज का जो कॉन्टिनेंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका आपको दिख ही रहा होगा, कैनेडा, यूएस, मेक्सिको, तो ग्रीनलैंड, ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ लेस देन हाफ द साइज ऑफ एशिया एंड वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट आल्सो इंक्लूड्स ग्रीनलैंड एंड द कैरेबियन आइलैंड। नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर्ड किया गया था कोलंबस के द्वारा 1492 में, और ठीक लगभग इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे भारत को भी डिस्कवर्ड किया गया था, किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में, ठीक है। और देयर फॉर इट इज़ नॉन एज द कंट्री ऑफ न्यू वर्ल्ड। पनामा कनाल है जो कि सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को, एंड कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनले जो कि अलास्का में है बेसिकली, और इसकी लेंथ भी आपको याद रखनी है 6194 मीटर। लोवेस्ट पॉइंट है डेथ वैली जो कि कितना बिलो सी लेवल है, -86 मीटर, एंड विच इज़ आल्सो फेमस फॉर हाई टेम्परेचर। इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो है 55.7 डिग्री सेल्सियस। मेन ट्राइब्स देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की, रेड इंडियंस या फिर निग्रो। टेम्परेचर ग्रास लैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज प्रेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी टेम्परेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेट ग्रास लैंड कहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में, और इसको क्या कहा जाता है, प्रेरीज। वर्ल्ड लार्जेस्ट सी पोर्ट जो कि है न्यूयॉर्क, और अगर हम बात करें बिजिएस्ट एयरपोर्ट की, ये भी आपका न्यूयॉर्क में आता है, इसका नाम है जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड माइन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो कैनेडा में है। लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिकन सिटी। एस्ट्रोडोम इन यूएसए, सबसे बड़ा एस्ट्रोडोम है पूरे वर्ल्ड का, इसका नाम है एस्ट्रोडोम जो कि कहाँ पर है, यूएस में। लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये कैनेडा में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्क है। ग्रीनलैंड आल्दो इज अ पार्ट ऑफ यूरोप बट सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रीनलैंड है वो बेसिकली पार्ट तो यूरोप का है लेकिन कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में। और ग्रीनलैंड से जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका इज नॉन एज प्रेरीज। माउंटेन रेंज देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की, रॉकी माउंटेन्स, ये एक तरह का यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी बाउंड्री एक्सटेंड है, 4800 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड बाउंड्री है इसकी। उसके बाद अलास्का रेंज, सीरा मैड्रे या सीरा नेवड़ा, उसके बाद सेंट इलाइस माउंटेन्स, रिवर्स हैं कुछ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, मिसौरी, मिसिसिपी, यूकॉन, रियो ग्रैंड, अरेकन्स, कोलोराडो, रेड, सेंट लॉरेंस, और कुछ लेक्स हैं, सुपीरियर लेक, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही था। उसके बाद ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपिग, ऑन्टेरियो। मिनरल रिसोर्सेज हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, कॉल, आयरन और पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला पॉइंट,
ग्रैंड बैंक नियर न्यूफाउंडलैंड इज वेरी फेमस फॉर फिशिंग। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो किस तरह की फिश यहाँ पर पाई जाती है, टूना एंड सैल्मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तरह की फिश पाई जाती है, सैल्मन एंड टूना फिश। न्यूयॉर्क जो है वो सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी इसको कहा जाता है। और चिकागो रेलवे स्टेशन जो है बेसिकली सबसे बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है पूरे वर्ल्ड का। नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूस करता है 1/5 पूरे वर्ल्ड की वीट। और फेमस है जैसे कि हमने डिस्कस करा ही था जो हमारा ग्रीनलैंड है, जहाँ जिसको प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरीज ऑफ USA आर वेरी फेमस फॉर वीट एंड मेज, इज आर कॉल्ड द वर्ल्ड ब्रेड बास्केट। इसलिए मैं आपको कह रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। सिलिकन वैली जो नॉर्थ अमेरिका में सिलिकन वैली है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, USA में। पिट्सबर्ग इज नॉन एज द आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ हमारे भारत की, पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, कौन सी सिटी को कहा जाता है, जमशेदपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जमशेदपुर कहाँ पे है, झारखंड में। कैलिफोर्निया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ एशिया, ठीक है। जो डेथ वैली हमने डिस्कस करा था, डेथ वैली जो आपका बेसिकली लोवेस्ट पॉइंट था नॉर्थ अमेरिका का, वो भी कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है बेसिकली वहाँ पे देखिए आप, ब्राज़ील, चिल, अर्जेंटीना, काफ़ी कंट्रीज हैं। और साउथ अमेरिका जो है वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये ट्रेंगुलर शेप में है, इट इज़ अ ट्रेंगुलर इन शेप, समवट स्मॉलर एंड लेस फेवर्ड फॉर द सेटलमेंट देन नॉर्थ अमेरिका। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इसकी, ऑफ द रिलीफ इज द माउंटेन चेन द एंडस विच रन थ्रू द होल लेंथ ऑफ कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट में एंडस रेंज है बेसिकली, माउंटेन रेंज, और यही इसकी एक स्पेशलिटी है। हाईएस्ट वाटरफॉल पूरे वर्ल्ड का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और उसको नाम दिया गया एंजल। और हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोटापेक्सी कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, इक्वाडोर में। और इसकी जो लेंथ है वो भी आपको याद रखनी है, 5,897 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोटापेक्सी। और उसके बाद बात करें एंडस, जो सबसे हाईएस्ट रेंज है हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, वो कहाँ पर है, एकनकैगुआ में। और इसकी हाइट है 6,960 मीटर। लोवेस्ट पॉइंट वेल्डेस पेनिनसुलर ये बेसिकली है अर्जेंटीना में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कहाँ पर है, अर्जेंटीना वेल्डेस पेनिनसुला। और ये कितना बिलो सी लेवल है, -40 मीटर। अमेजन रिवर जो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। और कुछ अदर रिवर्स जान लेते हैं, अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से तो पहले नंबर पे आती है, ये भी ध्यान रखना। अदर रिवर्स प्राना, सैन फ्रांसिस्को, ओरियंको, डियोनिज्रो, प्रेग्यो, ओरेग्यो, लैपलेटा, तो ये कुछ रिवर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, साओ पैलो, ये है आपकी ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ आपको मैं। देखिए जो ब्राज़ील है वो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग अगर हम देखें सोयाबीन की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो आपके ब्राज़ील में होती है। और कॉफ़ी, वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी मार्केट भी ब्राज़ील ही है। और ये इसी सिटी को कहा जाता है वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी मार्केट। और अगर हम बात करें कोको प्रोडक्शन, वैसे तो मैंने बात करी थी जो कोको प्रोडक्शन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होती है, अगर हम बात करें सेकेंड इन द वर्ल्ड तो वो आपकी होती है ब्राज़ील में। चलिए आगे चलते हैं। पैम्पस इज ए ग्रासलैंड फाउंड इन अर्जेंटीना, यहाँ पर आएगी है। ब्राज़ील इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन साउथ अमेरिका। वर्ल्ड्स मैक्सिमम मीट एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी है, अर्जेंटीना। मैक्सिमम अर्बनाइज्ड कंट्री साउथ अमेरिका के अकॉर्डिंगली कौन सी है, अरेगुए। उसके बाद ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है साउथ अमेरिका का, अरेका, ये अटाकामा डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, माराकाइबो, टिटिकाका, मिरिम। मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं यहाँ के, पेट्रोलियम, आयरन और सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन, लेड, जिंक। तो इक्वेटर रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन आर द स्टोर हाउसेज ऑफ द हार्डवुड सच एज महोगनी। अगर हम बात करें लाइटेस्ट वुड की वर्ल्ड की, तो वो है बालसा, ये भी यही इसी फॉरेस्ट में हमें पाई जाती है। देखिए
रबर ट्री इज़ अ नेटिव टू द साउथ अमेरिका और अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। जो देखिए रबड़, अगर हम बात करें रबड़ और च्युइंगम जो आप लोग खाते हैं, वो भी बेसिकली साउथ अमेरिकन, काफ़ी साउथ अमेरिका के जो अमेजन वाला बेसिन वाला एरिया है वहाँ पर इसके वुड्स पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए शक्ल ब्रिज यूज फॉर च्युइंगम। उसके बाद बात करें कार्नोवा पाम ट्रीज, और एक मेडिसिन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है सिंचोना। उसके बाद बात करें साउथ अमेरिका, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्टर्न इंडीज को अगर हम जोड़ दें तो बन जाता है लैटिन अमेरिका। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंट वो है यूरोप। यूरोप का आप मैप देख ही रहे हैं और यूरोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। एंटवर्प ऑफ बेल्जियम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ डायमंड, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माउंटेन कायकोसिस सेपरेट्स एशिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप, कौन सा माउंटेन एशिया और यूरोप को आपस में अलग करता है, तो वो है कॉकेसस। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप एल्ब्रस, इसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखनी कितनी है, 5642 मीटर, और ये कहाँ पर है, रशिया में। अदर माउंटेन रेंजेस देखें कॉकेसस, एल्प्स एंड प्रेनिस। आप देखें आपके आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रशिया है वो एशिया का भी पार्ट है। देखिए एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट है रशिया, रशिया बहुत बड़ा है। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप कैस्पियन सी, -28 मीटर बिलो सी लेवल, और कैस्पियन सी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक भी है। नाम इसका कैस्पियन सी है लेकिन याद रखना सबसे बड़ा अगर वर्ल्ड का लेक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर इज कैस्पियन सी। लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूरोप इज लंडन विच इज द बैंक ऑफ थेमेस रिवर। इटली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेप्स एंड ऑलिव प्रोड्यूसर कंट्री, और इटली को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, देखिए इंडिया भी कहा जाता है, इटली इज कॉल्ड द इंडिया ऑफ यूरोप, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा इंडिया ट्रेडिशन बेसिकली फॉलो किया जाता है। यूक्रेन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ, ये गलत लिखा गया है, यूरोप। उसके बाद बात करें हम शैम्पियन वाइन जो प्रोड्यूस करी जाती है फ्रांस में, फ्रांस इज आल्सो कॉल्ड वाइन एंड ब्यूटी क्वींस। वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे कनेक्ट्स लंदन टू पेरिस। यूरोप इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलर सिंस इट इज सराउंडेड बाय द थ्री सीज। पेनिनसुलर रीजन बेसिकली क्या होता है, एक साइड तो लैंड वाला एरिया होता है, थ्री साइड आपका पानी से घिरा हुआ होता है, उसको पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। राइन इज अ बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ यूरोप, फ्रांस और नॉर्वे को कहा जाता है कंट्री ऑफ फ्योर्ड। गल्फ स्ट्रीम इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉट ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करें जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका, और जो कैपिटल ऑफ आइसलैंड है राइजुक, इसको वर्ल्ड का नॉर्थन मोस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। रिवर्स हैं कुछ यूरोप की, वोल्गा, डैन्यूबे, डाइनेपर, डॉन, राइन। लेक्स हैं लाडोगा, ओनेगा, वेनेर। मिनरल रिसोर्सेज हैं कॉल, आयरन और मरकरी, बॉक्साइट। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड को अगर हम इकट्ठा कर दें तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम मिला दें ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थन आयरलैंड को तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। एंटवर्प इज़ द बिजिएस्ट डायमंड, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। फिनलैंड इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, और डॉगर बैंक इज इन यूके इज़ फेमस फॉर फिशिंग ग्राउंड। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत है, ये लेक्स बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अगर हम मिला दें और इसके सराउंडिंग जितने भी आइलैंड्स हैं उसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कॉसिस्को, इसकी जो हाइट है वो भी आपको याद रखनी है 2228 मीटर। लोवेस्ट पीक है लेक आयर, -16 मीटर, इसकी स्पेलिंग याद हो YRE लिखा होगा या फिर EYRE लिखा होगा, तो बात एक ही है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया है, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक, जेम्स कुक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था 1770 में। कालगोरली या फिर हम बात करें कुलीगाडी इज आर फेमस फॉर गोल्ड माइन इन ऑस्ट्रेलिया। मेन माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डेविडिंग रेंज, और जो न्यूजीलैंड है उसको ब्रिटेन ऑफ साउथ भी कहा जाता है। गिम्सन विक्टोरिया आर द मेन डेजर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड फेमस वूल मेरिनो। जैकरस आर द लेबर्स वर्किंग इज द रेयरिंग एरिया ऑफ शीप इन ऑस्ट्रेलिया। कैरपेंट्रिया प्लेन आर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिवर्स कुछ जानते हैं इसकी,
मुर्रे जिसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। इट्स चीफ ट्रिब्यूटरीज, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं डार्लिंग एंड मोरम बिटगी। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, गोल्ड, सिल्वर, कॉल, आयरन और लेड, जिंक, बॉक्साइट, कॉपर, यूरेनियम एंड टंगस्टन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकडोनल एंड मसग्रेव रेंज लाई इन सेंट्रल एशिया। तस्मानिया सी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द न्यूजीलैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, अंटार्कटिका। ये जो बेसिकली कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जीवन संभव तो नहीं है क्योंकि ये स्नो से बिल्कुल घिरा हुआ है, लेकिन एक बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्टिनेंट, वो क्या है, देखिए इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ कम्प्लीटली फ्रोजन एंड इट इज़ लाइक ए वाइट कॉन्टिनेंट, मतलब बिल्कुल वाइट कॉन्टिनेंट दिखता है। और ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऑपर्चुनिटी से भरा हुआ है। और साइंटिस्ट अगर हैं जो पूरे मतलब बात करते हैं अर्थ की, अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया कॉन्टिनेंट है ये, इसलिए इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिनेंट फॉर साइंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ यूनिक ऑपर्चुनिटी टू साइंटिस्ट टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड। इसका जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है, बात करें पूरे वर्ल्ड का, तो वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका रीजन में आता है। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉल्ड एमंडसन ने। और हाईएस्ट पॉइंट है इसकी विंस ऑफ मैसिव, और इसमें एक सिंगल एक्टिव वोल्केनो है माउंट एरेबस। हमारे भारत से भी एक स्टेशन लगाया गया, भारतीय स्टेशन, ये 2015 में लगाया गया था। इससे पहले भी एक स्टेशन है, वो मैंने अपने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, आपने अगर मेरे क्वेश्चंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री एक बेसिकली स्टेशन लगाया गया था हमारे भारत के द्वारा 1983 में। चलिए थैंक यू क्लास, ये हमारा बेसिकली आज का ज्योग्राफी का मॉड्यूल फर्स्ट था। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर